जरा सोचिए उस दौर में जब घड़ियां ही नहीं थी, तब किस रफ्तार से दौड़ते थे लोग। आज हम आपको 1500 साल पुरानी जल घड़ी दिखाएंगे, जो चलिए आपको लेकर चलते हैं उदयपुर में स्थित है भगवान ऋषभदेव के मंदिर। जिंदगी में वक्त की क्या कीमत है ये दुनिया जानती है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती हैं। भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में हर इंसान वक्त की इन सुइयों को रोक देना चाहता है और जिंदगी को जी भरकर अपने बनाए हुए समय के साथ जीना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है वक्त बलवान होता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। अब जरा 1500 साल पीछे चलिए, मतलब आज की घड़ी की सुई को 1500 साल के वक्त पर लाकर खड़ा कीजिए और महसूस कीजिए कि जब घड़ियां नहीं थी तो उस दौर के लोग कैसे वक्त की सुइयों के साथ बढ़ते होंगे, कैसे उठते होंगे भोर में, बच्चे कैसे लगाते होंगे स्कूल जाने का अलार्म। तो चलिए उदयपुर से करीब 65 किलोमीटर आगे गांव ऋषभदेव में, जहां भगवान ऋषभदेव का मंदिर है, जिसे केसरिया जी या केसरिया नाथ के नाम से भी जाना जाता है, यहां आज भी उस दौर की घड़ी रखी है। चलिए उस दौर की जल घड़ी की नब्ज पकड़ते हैं, जहां आज भी जल घड़ी के मुताबिक ही मंदिर की दिनचर्या संचालित होती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर रखी लकड़ी की एक बॉक्स में 1500 साल पुरानी जल घड़ी रखी है, जिसमें सुबह सूर्योदय होते ही तांबे के बड़े भगोने में पानी भरकर रख दिया जाता है और इस भगोने के भीतर एक कटोरा डाला जाता है जिसमें एक छोटा छेद होता है। यह कटोरा 24 मिनट में पानी से भर जाता है। जैसे ही यह कटोरा भरता है, गार्ड घंटा बजाता है और समय का संकेत देता है। संकेत के मुताबिक भगवान के जागरण से लगाकर शयन तक पूरे दिन की दिनचर्या इसी जल घड़ी के मुताबिक होती है। जल घड़ी के वक्त और आज के दौर की घड़ी के वक्त में करीब 45 मिनट का अंतराल होता है। जल घड़ी 24 मिनट की मानी जाती है और घड़ी का एक प्रहर होता है और चार प्रहर एक दिन माना जाता है। ये भगवान ऋषभदेव जी की जो पूजा पद्धति होती है यहाँ ऋषभदेव भगवान की, इस जलघड़ी के हिसाब से होती है। जब मंदिर खुलता है, मंदिर खुलने से लगा के मंदिर मंगल तक का कार्यक्रम इस जलघड़ी के हिसाब से होता है। मंदिर बना, भगवान पूजा अर्चना जब चालू हुई तो इसी ज्योतिष घड़ी के हिसाब से पूजा अर्चना सब होती है यहाँ पर। और ये अपना होता है 24 घंटे का दिन और रात, इसमें होता है 64 घड़ी और रात और दिन होता है उसमें। भगवान ऋषभदेव का मंदिर प्राचीन तीर्थ अरावली पर्वतमाला की कंदराओं के मध्य कोयल नदी के किनारे पर मौजूद है। ऋषभदेव मंदिर को जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ माना जाता है, लेकिन इस मंदिर में हर साल लाखों लोगों की संख्या में सभी धर्म और जाति के लोग आते हैं और मंदिर में जल घड़ी के मुताबिक पूजा अर्चना करते हैं।